17 अप्रैल की रात्रि में नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर की रहने वाले निरंजन कुमार को बंगाली टोला में अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में दो शूटर सुशील कुमार मंडल को मुंगेर से और दूसरे संजय मंडल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया गया। गौरतलब हो कि इस कांड में एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी सिराज ने प्रेस वार्ता कर दी। 17 अप्रैल को नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को रात्रि में 8 बजे करीब अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इस मामले में पूर्व में एक लड्डू साहब को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो मेन शूटर की गिरफ्तारी अभी बाकी थी, लेकिन कल रात्रि को सुशील कुमार मंडल, संजय मंडल, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में यह बात को कबूल किया है कि यह बम जो कि लड्डू साहब का बेटा, उसके कहने पे और ये लड्डू साहब इन दोनों के कहने पे इन दोनों ने गोली चलाई और ये दोनों शूटर थे। इन दोनों ने कबूल किया है कि दोनों ने एक गोली चलाई थी। इनके साथ अन्य अपराधी भी थे घटनास्थल पर, जिनके लिए छापेमारी किया जा रहा है। और ये विवाद कुल मुख्य रूप से पैसे का विवाद, जो कि निरंजन कुमार के द्वारा लगातार लड्डू साहब और उनके बेटे से मांग किया जाता था, और इसी से वो इसके अलावा ये पूरे जो है प्लान को उन्होंने कंस्पायर किया और उसकी हत्या की गई। इस संबंध में जो घटना में प्रयुक्त बाइक था पल्सर, उसको भी बरामद किया गया है और हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य भी कौन कौन इसमें अभियुक्त थे उनके बारे में पता चला है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। बट सावित्री पूजन के अवसर पर सुहागिन महिलाएं फल पकवान से डलिया भरकर बट वृक्ष की पूजन को लेकर बट वृक्ष के समीप पहुंची। सुबह से बट वृक्ष के समीप सुहागिन महिलाओं की पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रही। पति परमेश्वर की दीर्घायु की कामना के लिए महिलाएं बट सावित्री का व्रत करती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सावित्री बट वृक्ष की पूजा और व्रत करके ही अपने सतीत्व और तप के बल पर अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीत कर पुनर्जीवित कर लिया था। यही कारण है कि इस व्रत का नाम बट वृक्ष सावित्री पड़ा। वट सावित्री व्रत के पूर्व महिलाएं नए कपड़े पहनकर 16 सिंगार करती हैं, हाथ में मेहंदी रचाती हैं। महिलाएं 5 तरह के फल पकवान से डलिया भरती हैं। बट वृक्ष के समक्ष डलिया खोलकर बांस के पंखे पर पकवान आदि रखकर सावित्री और सत्यवान की कथा कही और सुनी जाती है। बट वृक्ष में कच्चा धागा लपेटकर 3 या 5 बार परिक्रमा की जाती है और वट वृक्ष को जल देते हैं तथा कच्चा धागा गले में पहनती है। बट वृक्ष की पूजा के समय महिलाएं अपने अपने बाल में बरगद के पत्ते को लगाती हैं। बांस पंखा भी लाल धागा बांधकर पूजा करने के बाद बट वृक्ष को ही पहले पंखा झलने की परंपरा रही। इसके बाद में पति को पंखा झलती है। नव विवाहिता अपने घर से सज धज कर माथे पर जल भरकर कलश लेकर जाती है। परिवार एवं अन्य महिलाएं उसके साथ पारंपरिक गीत गाती हुई बट वृक्ष के समीप पहुंचकर पूजा करती है। पहली बार पूजा करने वाली महिलाओं को बांस के 14 पंखा पूजा में रखना पड़ता है, जिसमें नैहर और ससुराल से पंखा आता है। ससुराल में दही चूड़ा पकवान कपड़ा फल डलिया मिठाई सिंगार सामग्री आदि के अलावे परवैतिन एवं परिवार के कुछ सदस्यों के कपड़े आते हैं। महिलाओं का महत्वपूर्ण पर्व होने के कारण इस व्रत का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। वट सावित्री का पूजा हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को एक दिन पहले ही व्रत करना होता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करना होता है, नियम के साथ करना होता है। पति की लंबी आयु के लिए, पति की रक्षा के लिए, किसी भी कारण कुछ भी उनके ऊपर अगर होने वाला है तो उनसे उनके बचाव के लिए किया जाता है। ये व्रत हम अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करते हैं। इसकी तैयारी हम लोग 10-15 दिन पहले ही से कर लेते हैं। 5 पंखा लेते हैं, उसको रंगाना पड़ता है, फिर मेहंदी रंगाना पड़ता है, बहुत सारा तैयारी करना, 5 तरह का फल फूल मिठाई सब चढ़ाते हैं हम लोग। सावित्री महारानी जो थी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत की थी, उसी के कारण उस दिन से इस व्रत का बहुत महत्व है, हम लोग इसीलिए करते हैं ये व्रत। आज लोग हम लोग व्रत करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, फलाहारी करते हैं, नमक नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं आज के दिन। हर वर्ष करते हैं? कितने वर्षों से करते आ रहे हैं आप लोग? 2016 में शादी हुआ है, 6-7 साल है। हम लोग चाहते हैं भगवान को सदा जन्म सदा सात जन्म सदा स्वागत रखे। जब व्रत को करने से हमको संतुष्ट मिलता है, अच्छा लगता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक।
ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार व झारखंड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट ने 270 बच्चों में 34 बच्चों ने नीट 2024 में सफलता हासिल की, जिन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में नामांकन जल्द मिलने वाला है। आकाश इंस्टीट्यूट भागलपुर संस्थान के हेड नौसाद हसन ने सभी बच्चों को बधाई दी। वहीं उन्होंने आकाश के फैकल्टी और मैनेजमेंट को भी शुभकामनाएं दी। वहीं सभी बच्चों के अभिभावक को भी पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सफल बच्चों को एनसीईआरटी की किताब पढ़ने की सलाह दी गई, साथ ही शिक्षकों की बात मानने की बात कही गई। वहीं सफल बच्चों की खुशखबरी पर आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा शहर में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। वहीं एकेडमी हेड नौसाद हसन ने सबों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी सफल बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। सफल बच्चों में इसिका, अंकिता झा, सिमरन, तौकीद, जावेद के अलावे अन्य बच्चे शामिल है। मेहनत की थी मैंने, 2 साल आकाश भागलपुर में एडमिशन लिया था, फिर 1 साल मेरा ड्रॉप लगा था। यहाँ के टीचर्स बहुत बहुत फ्रेंडली हैं और सारे डाउट्स उसी दिन क्लियर कर देते। यहाँ के बुक्स भी बहुत हेल्पफुल रहा मुझे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट में। यहाँ के टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होती है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है जैसा नीट का रहता है, यहाँ का टेस्ट सीरीज़ का रहता है। और फिर जैसे रोज़ का काम रोज़ करना चाहिए, जैसे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के प्रिपरेशन में। और फिर जैसे यहाँ के सर हमेशा बोलते रहते हैं आज का डाउट खुद ही आज ही सॉल्व करके जाना, दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना है। बहुत मेहनत की थी, लगभग 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, उसके बाद जा कर के ये रिज़ल्ट आया है। संस्थान का क्या सारा सहयोग रहा? संस्थान का बहुत सहयोग रहा, लाइक हमारे रोज़ हमेशा मदद करते थे, हर चीज़ में वो हमारा कॉपरेशन करते थे, एक पेरेंट्स की तरह उन्होंने हमारा 1 साल तक कॉपरेट किया है। हमें टेस्ट में, बुक्स को बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा पूरा गाइडेंस उनकी तरफ से हमें मिला है। भागलपुर से नीट 2024 में 34 बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, और इस सफलता के लिए क्रेडिट यहाँ के टीचर्स को, मैनेजमेंट को, रिस्पेक्टेड डीडी सर जिनका लगातार मोटिवेशन मिलता रहा सर, उसके साथ साथ आरडी सर का जो विज़न था हमेशा कि बच्चों से बेस्ट कैसे निकलवाया जाए, उसने बहुत काम किया है। और बिहार झारखंड के सफलता के प्रतिशत के हिसाब से आकाश भागलपुर सबसे आगे है। यहाँ हमारे सिर्फ 270 बच्चों ने नीट दिया था और उसमें से 34 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 7 जून से प्रारंभ होने जा रहे आईपीएल की तर्ज पर जिला स्तरीय टेनिस बॉल भागलपुर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले के 8 टॉप टीम भाग ले रही है। इसमें कई नामचीन खिलाड़ी आयोजन में शिरकत करेंगे। अच्छा प्रदर्शन करने पर देश के लिए टेनिस बॉल खेलने को मिल सकता है। भागलपुर में बुधवार से यह खेल का महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। प्रत्येक दिन 2 मैच का आयोजन होगा। दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना आयोजन समिति के द्वारा बताई गई है। खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। लोकल लड़के जो है गली क्रिकेट खेलते हैं, उनको एक बेहतरीन मंच दिया गया जिसमें वो सीनियर के साथ खेलें, तो इसीलिए ये आयोजन किया गया है कि सीनियर और जूनियर सभी को मिला के एक टूर्नामेंट कर, लीग टाइप का टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीम पार्टिसिपेट करेंगे और ये भागलपुर लोकसभा के
6 विधानसभा के प्लेयर यहाँ पर खेलने के लिए आएंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर जो प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट खेले हुए हैं। न्यू जो ISPL स्टार्ट हुआ है भारत में, उससे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनकर खेलने के लिए जाएगी। हमारी तो कोशिश है कि भागलपुर लोकसभा में जितने भी प्लेयर हैं बढ़िया, वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। हमारे प्लेयर्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पुरस्कार तो एक बहाना होता है अच्छा खेल करने का, ताकि लोग को एनर्जी मिले, ताकत मिले कि और अच्छे से परफॉर्म करें और जी और अच्छा करें अपने क्रिकेट। और ये पहला सीजन है और आयोजन करता रहूंगा इसी हिसाब में, अगर अच्छा रहा ये तो। और हम सबको आग्रह करेंगे, सब आके देखिए, मजा लीजिए, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं जो यहाँ पर नामी गिरामी प्लेयर हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनके साथ कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो युवा हैं, जो बहुत क्रिकेट नहीं खेले, तो उनके साथ वो खेलेंगे तो उनको अनुभव प्राप्त होगा, अनुभव के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे तो युवाओं का ही जो भी होना है वो होना है। कब से स्टार्ट हो रहा है? कल से ही स्टार्ट करने का विचार है और कल से ही स्टार्ट होगा मुख्य रूप से।